कि इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर, बल्कि इसको पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल बोलेंगे ना, तो कई आ जाते थे कि कौन पार्शियल बोलते हैं, तो राउल्स लॉ से कहता है इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कई लोगों को मोल फ्रैक्शन में दिक्कत है, तो इसका वीडियो नंबर 1 देखें, यूट्यूब पर सर्च कर ले सॉल्यूशन 01 फिजिक्स वाला, या सर्च कर ले मोल फ्रैक्शन फिजिक्स वाला, तो आपको सीधा क्लास 11 का मोल फ्रैक्शन का वीडियो मिल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। अच्छा, ये है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोल रहा है? राउल्स लॉ बोल रहा है कि इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए, पी नॉट बी नहीं लिख सकते, अब तो मिल गया, थोड़ा कम हो गया। अब क्या हो गया? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जरा इसको सोचो भाई, ए के जितने ज्यादा मोल्स होंगे, ए के मोल का फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा ए